सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। तुसीं देख रहे हो पंजाबी टेशन ते मैं कमलदीप सिंह स्वागत है तुहाडा एक वारी फिर पंजाबी टेशन ते। COVID-19 तो बाद तकरीबन 4 महीने ते 28 दिन बाद अज असीं फिर अपने व्यूज़ का स्वागत करते हैं अपने चैनल दे उपर। ते अज असीं एक बहुत वड्डी ग्रैंड न्यूज़ दे नाल अपना वर्क दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ ये है जी, क्योंकि काफ़ी सालों तो 4-5 मैं कहना इतों वध साल हो गए होने न्यूज़ रही मार्केट के बच के चमकीला जी की जिंदगी के उत्ते कोई ना कोई फिल्म बनानी आ। काफ़ी प्रोडक्शन उसने अनाउंसमेंट भी की भी असी भी बना रहे हैं असी भी बना रहे हैं, बट हजे तक कोई भी ऑफिशियल रिलीज़ या पोस्टर या अनाउंसमेंट नहीं हुई सी। तो हुण फाइनली इस चीज़ की कन्फर्मेशन दी है जी सानू अमर आई रिकॉर्ड्स एंड जैसमिन राय प्रोडक्शन जी ने। हाँ जी, अमर आई रिकॉर्ड्स तो जैसमिन राय प्रोडक्शन लैके आ रहा जी बाई चमकीला फॉर एवर। हाँ जी, चमकीला जी की जिंदगी दे उपर फिल्म बन जा रही है जिस फिल्म का नाँ आ बाई चमकीला फॉर एवर, तो जिहदे विच चमकीला जी का करैक्टर निभाउणगे जी दीपा राय जी, जिहड़े कि इंग्लैंड के ही जंपल आ, काफ़ी टाइम तो इंडस्ट्री के नाल जुड़े हुए। दीपा राय जी करैक्टर करनगे जी चमकीला जी का। तो जे मैं गल करा अमरजोत जी का करैक्टर निभा रहे जुवलीन कौर जी, जिन्हां नी ये फिल्म डेब्यू फिल्म होनी सी पंजाबी इंडस्ट्री के, बट कुछ इस फिल्म में पोस्टपोन होने के कारण उन्होंने एक दो फिल्म्स होर भी आ चुकी हैं। तो यह कन्फर्मेशन हो चुकी है कि दीपा राय जी निभा रहे भूमिका चमकीला जी की, तो जुवलीन कौर जी निभा रहे भूमिका अमरजोत कौर जी की। तो जे मैं हुण गल करा सुरेंद्र शिंदा जी, जिहड़े कि रियल लाइफ के भी चमकीला जी के कोच जां आपां उस्ताद कह सकते सीगे, इस फिल्म के भी वो चमकीला जी के उस्ताद जी का करैक्टर निभा रहे। तो जे मैं होर कास्ट की गल करा तो इस फिल्म के नज़र आएंगे सानू साड़ी पुरानिया फिल्मों की हीरोइन मैडम दलजीत कौर जी, निर्मल ऋषि जी, गुरचेत चित्रकार जी, याद गरेवाल जी, दिलावर सिद्धू जी, नीटू पंधीर जी, सतनाम डाडा जी, पूनम सूद जी, भजनामली जी, प्रकाश गादू जी, सतवंत कौर जी, भोटू शाह जी, तो काके शाह जी, तो होर बहुत सारे कलाकार इस फिल्म के नज़र आएंगे। एक बहुत वड्डी टीम आ इस फिल्म नूं बनाउण जा रही। तो जे मैं गल करा तो इस फिल्म नूं डायरैक्ट भी दीपा राय जी ही कर रहे हैं। तो इस फिल्म की स्टोरी लिखी है जी कुलविंदर कोकी जी उन्होंने, जिहड़े कि चमकीला जी के सैक्रेटरी सीगे, उन्होंने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है कुलविंदर कोकी जी ने। तो जे मैं गल करा इस फिल्म के डायलॉग लिखे है जी नीटू पंधीर जी उन्होंने। तो इस फिल्म की शूटिंग हुई है जी संगरूर नवांशहर ते हुशियारपुर के इलाकों के। तो इस फिल्म नूं संगीत दिता है जी DJ फ्लो जी ने, जस्सी महालों जी ने, ते टीम PB बत्ती वाले। तो जे मैं इंट्रस्टिंग गल करा इस फिल्म की होर, तो वह यह है कि जी चमकीला जी के सुपर डुपर हिट गाने, जिदा कि एक गाने तो बहुत मकबूल होया सगा तलवार मैं कलगी धरती हाँ, उन्होंने भी रीक्रिएट किया गया। इदा के होर काफ़ी गाने रीक्रिएट करके इस फिल्म बाई चमकीला फॉर एवर जी के आएंगे। तो यह फिल्म पहला विसाखी के उपर रिलीज़ होनी सी, बट हुण इस फिल्म की कोई ऑफिशियल डेट हजे तक नहीं रजिस्टर्ड की गई है, बट ये गल की कन्फर्मेशन हो चुकी है कि इस महीने अगस्त ही ये कुछ प्रमोशनल म्यूजिक ट्रैक्स तो पोस्टर फस्ट लुक नज़र आ जाएंगे। तो असी सारी टीम को दिने बहुत बहुत बधाइया, क्योंकि ऑडियंस में भी बहुत इंतजार सगा कि बाई चमकीला जी की जिंदगी उत्ते कोई फिल्म बने। तो हुण फाइनली वो दी अनाउंसमेंट हो चुकी है जी, बाई चमकीला फॉर एवर फिल्म आ रही है जी, जिन्हों लैके आ रहा जी अमर राय रिकॉर्ड्स एंड जैसमिन राय प्रोडक्शंस। तो देखते रहो पंजाबी टेशन, सब नूं प्यार भरी सत श्री अकाल।